बच्चों आगे देखिए, आप लोगों को व्याकरण में मैं रस के बारे में बता रही हूँ। ये तीन रस हमने बता दिया है, वेद, विकास और करुण रस, उसका स्थायी भाव व्याकरण। अब आप आइए खास रस पर। परिभाषा वैसे ही रहेगी जहाँ किसी की विकृत वेशभूषा या उठपटांग हरकतें देखकर मन में हास रूपी हास नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसी से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जबकि जैसे आप लोगों को ऊपर परिभाषा हमने बताया था, शोक रस में है जैसे कोई किसी प्रियजन के बिछड़ने पर, कोई अपनी प्रिय वस्तु अनिष्ट होने पर मन में जो शोक उत्पन्न होता है, उसे करुण रस की निष्पत्ति होती है। जहाँ खास नामक अस्थायी भाव अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होता है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनुनारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनुनारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी विंध्याचल पर्वत पर वास करने वाले योगी वैरागी बहुत ही उदास हैं। उनके उदासी का कारण क्या है? महाबिनु नारी दुखारे, बिना नारी के वो महान दुख पा रहे हैं, बहुत बड़ा दुख भोग रहे हैं। मानो वैराग धारण करके पर्वत में निवास कर रहे हैं, लेकिन नारी के अभाव में वो दुखी हो रहे हैं। ये चार लाइन की पंक्तियां हैं, आप लोग देखिएगा आप लोग किताबों में हो सकता है क्या हो। तो इसका भाव, इस कविता की पंक्तियों का भाव यही है कि श्री राम का विंध्याचल पर्वत पर आगमन होता है तो सारे योगी वैरागी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वो ये सोचकर नहीं प्रसन्न होते हैं कि श्री राम का आगमन हो रहा है तो हमें उनके उनका दर्शन लाभ मिलेगा, बल्कि वो ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि श्री राम के आगमन से, उनके चरण पड़ने से इस विंध्याचल पर्वत की शिलाएं सुंदर नारी बन जाएंगी, फिर यहाँ पर्वत पर नारियों का कोई अभाव नहीं होगा। इस तरह से यहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि विरोधाभास है। एक तो हो गए हैं योगी वैरागी बनने और दूसरी तरफ वो नारी मोह में भी जुड़े हुए हैं। ये चार पंक्तियाँ हैं आप लोगों की, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। विश्व के वासी उदासी तपोवृत व्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। गौतम तीर्तरी तुलसी सो कथा मुनि भय मुनि वृंद सुखारे। होय भय शिरासन चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनाय गुरु करुणा करि कानन कोपक धारे। अर्थ समझ लीजिए, विंध्याचल पर्वत पर वास करने वाले तपो व्रतधारी, तपस्या का व्रत धारण करने वाले सभी वैरागी बहुत ही उदास हैं, और उदासी का कारण है कि नारियां वहां नहीं है, स्त्रियां नहीं है। गौतम तीर्थरी तुलसी सो कथा मुनि भय मुनि वृंद सुखारे। वो मुनियों से सुनते हैं कि श्री राम के चरण स्पर्श से गौतम ऋषि, गौतम की पत्नी अहिल्या तर गई थी, उनका उद्धार हो गया था, वो चट्टान से नारी बन गई थी। ये उन्हें बहुत ही, एक कथा उन्हें बहुत ही सुख देता है। अब वो सोचने लगते हैं, होए में शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक गुरु करुणा करि कानन कोपक धारे।
हे रघुनायक, आपने बहुत ही भला किया जो हम पर करुणा किया और इस कानन में, इस वन में आप पधारे हैं। आपके पद मंजुल कंज, आपके सुंदर कमलवत चरणों का स्पर्श पा करके यहाँ की सभी शिलाएं चंद्रमुखी स्त्रियाँ बन जाएंगी। इस तरह से यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो और जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो हास्य रस को उत्पन्न करता है। अब ध्यान दीजिए, शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। आपको कबीरदास, तुलसीदास जी की भी कुछ रचनाएं, ये सब शांत रस में लिखी गई। जहाँ निर्वेद नामक अस्थायी भाव अनुभाव विभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे आप लोगों को अभी हम कबीरदास जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं, वो भी आप शांत रस के उदाहरण में लिख सकते हैं। साक्षी में जो दोहे हैं, या फिर पदावली जो कबीरदास जी की पढ़ाई गई, पंडित बाद बदलते झूठा, और छंद भी हमने पढ़ाया है कि जैसे पाड़ी ही ते दिन भया, हिम हो गया बिलाई, जे कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, ये भी शांत रस में है। और भी कबीरदास जी के छंद हैं, वो आप कबीरदास जी का पाठ खोलिएगा तो उसमें जितने छंद हैं वो सभी आपको शांत रस मिलेंगे। आगे तुलसीदास जी का भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आप लोगों को शांत रस मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपका रस हो गया, रस के बारे में हमने बता दिया। अब अगले वीडियो में आप लोगों को